जय दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एचआईवी के लाइफ साइकिल के बारे में, दैट मींस एचआईवी के जीवन चक्र के बारे में। इसके पहले की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था एचआईवी के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि एचआईवी की संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे हम पढ़ेंगे आज एचआईवी के लाइफ साइकिल के बारे में। अगर हम एचआईवी के लॉन्ग फॉर्म की बात करें, यानी कि फुल फॉर्म की बात करें, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। और जो एचआईवी की लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीट होती है टोटल 7 स्टेप में। ठीक है, 7 स्टेप में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, जिसमें पहला होता है बाइंडिंग, दूसरा होता है फ्यूजन, तीसरा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन, रेप्लिकेशन, असेंबली एंड बडिंग। तो ये 7 स्टेप होते हैं एचआईवी की लाइफ साइकिल के, जिनके बारे में हमें अभी अब बारी बारी से पढ़ना है कौन से स्टेप में क्या होता है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि जो एचआईवी वायरस होता है वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। अब इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो जीवन चक्र होता है, इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में, इसलिए इसको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट के नाम से भी जानते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जब पढ़ा था एचआईवी के स्ट्रक्चर के बारे में, वहां पर हमने देखा था कि जो एचआईवी होती है वो एक इनवेलप वायरस होती है, या फिर इसी को हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस के नाम से जाना था। ठीक है, और जो एचआईवी होती है उसके इनवेलप के बाहर की ओर एक गुंडी के जैसे संरचना पाई जाती थी, जिसको हम बताए थे आपको कि वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 की बनी होती है। ठीक है, ये जो स्पाइक दिखाई दे रही है, गुंडी के जैसी संरचना दिखाई दे रही है ढेर सारी, ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 की बनी होती है। और ये जो गुंडी की जैसी संरचना है इसमें 2 पार्ट है, एक तो देखिए बाहर की ओर लाल कलर की है, उसके बाद एक ब्लैक कलर के डंडे की जैसी संरचना है। अब ये जो ब्लैक कलर के डंडे की जैसी संरचना है ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन 141 की, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 41 की वो बनी होती है। और एनवेलप्ड के अंदर ढेर सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, इंटीग्रेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, इस प्रकार से ढेर सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। और उसके अंदर यानी कि एनवेलप्ड के अंदर ही पाया जाता है एक कैप्सिड, जो कि बुलेट शेप्ड होता है। बुलेट शेप्ड यानी कि एक बंदूक की जो गोली होती है, ठीक है, पिस्टल की जो गोली होती है वो बुलेट के जैसी होती है, जिसको हम बुलेट कहते हैं, उसी बुलेट शेप्ड की इसमें कैप्सिड पाई जाती है। और उस कैप्सिड का काम होता है जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्ट करना काम होता है जेनेटिक मटेरियल को। और जेनेटिक मटेरियल जो एचआईवी का होता है वो होता है आरएनए, जिसकी 2 स्टैंड इसमें पाई जाती है। प्रत्येक स्टैंड के पास 9 जीन को कोड करने की एबिलिटी होती है, यानी कि 9 जीन को कोड करने की क्षमता होती है। ये रही एचआईवी की स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे एचआईवी के लाइफ साइकिल के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीट होती है 7 स्टेप में। तो पहले स्टेप की बात करें, जो पहला स्टेप है वो है बाइंडिंग। बाइंडिंग में अगर हम बताएं आपको, तो जो एचआईवी वायरस होता है वो बाइंड करता है, यानी कि अटैच्ड होता है CD4 प्रोटीन के साथ, और CD4 प्रोटीन को ही वो नष्ट कर देता है। ठीक है, ये CD4 प्रोटीन है और इसी CD4 प्रोटीन के साथ ये एचआईवी वायरस अटैच होगा, और अटैच्ड होने के बाद इसी CD4 प्रोटीन को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा। अब ये CD4 प्रोटीन जो नष्ट हो जाता है इसको क्या कहते हैं, इसका क्या काम है? अब ये CD4 प्रोटीन है, ये एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, जो कि बॉडी को इम्यून सिस्टम पर पाया जाता है। ठीक है, बॉडी के इम्यून सिस्टम पर पाया जाता है और ये इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक, ये CD4 प्रोटीन होता है। अच्छा, अगर हम बात कर ले CD4 प्रोटीन जो होता है वो किन किन प्रकार के सेल्स पर पाया जाता है, तो पहला तो हम देख ही रहे हैं कि ये हमारा इम्यून सेल है, इस पर पाया जाता है CD4 प्रोटीन। दूसरा होता है टी हेल्पर सेल, तीसरी होती है माइक्रोफेज, और चौथा होता है डेंड्रिटिक सेल्स। इस प्रकार के सभी सेलों पर CD4 प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप है जो कि बाइंडिंग है। इसमें एचआईवी वायरस बाइंड करेगा CD4 प्रोटीन के साथ और CD4 प्रोटीन को नष्ट कर देगा। अब उसके बाद ये फ्यूज करेगा हमारे इम्यून सेल के सरफेस पर। ठीक है, फ्यूज करेगा इम्यून सेल के सरफेस पर, और सरफेस पर जब ये फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद इसकी जो एनवेलप्ड होती है, यहाँ सेकेंड स्टेप में देखिए, चूज करने के बाद इसकी जो एनवेलप्ड होती है वो सभी के सभी बाहर रह जाती है, और केवल प्रवेश करता है इसका जेनेटिक मटेरियल और कैपेसिड।
ठीक है, जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड अंदर प्रवेश कर जाता है। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए। यहाँ पर देखिए ये आरएनए है और इसके साथ साथ प्रवेश करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ तक सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई। देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है फ्यूजन ऑफ एचआईवी टू द सेल सरफेस ऑफ होस्ट एंड प्रोटीन एंटर बाय द प्रोसेस एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा एचआईवी की प्रोटीन्स जेनेटिक मटेरियल्स होस्ट सेल के सरफेस से अटैच होने के बाद वो प्रवेश कर जाती है होस्ट सेल के अंदर। अब उसके बाद ये तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप में क्या होता है कि वायरल आरएनए चेंज इन वायरल डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के द्वारा जो वायरल आरएनए होता है, यानी कि ये एचआईवी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वो बदल जाता है, खुद को बदल लेता है डीएनए में, जिसको हम वायरल डीएनए के नाम से जानते हैं। और ये बदलाव होती है एक एंजाइम की वजह से जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और प्रोसेस जो होती है वो होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो देखिए ये थर्ड स्टेप है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की वजह से वायरल आरएनए चेंज हो गया वायरल डीएनए में। अब इसके बाद जो चौथा स्टेप होता है वहां पर काम करता है एंटीग्रेस एंजाइम। एंटीग्रेस एंजाइम जो होता है वो काम करता है वायरल डीएनए को होस्ट डीएनए के साथ अटैच्ड कराने का। ठीक है, वायरल डीएनए को होस्ट डीएनए के साथ अटैच्ड कराने का ये काम करता है। देखिए यहाँ पर हमने फोर्थ स्टेप में लिख रखा है वायरल डीएनए ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट डीएनए बाय द प्रोसेस इंटीग्रेशन। ये चौथा प्रोसेस है एंटीग्रेशन। एंटीग्रेशन प्रक्रिया के साथ जो वायरल डीएनए होता है वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को एक्रॉस करता है, यानी कि पार करता है। पार करने के बाद इधर होस्ट सेल जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये सभी होस्ट सेल है दोनों तरफ, और इसी होस्ट सेल को तोड़ता है। तोड़ने के बाद बीच में वायरल डीएनए को ये अटैच करा देता है, कौन? एंटीग्रेस एंजाइम। तो ये फोर्थ स्टेप है, कंप्लीट हुआ। अब क्या होता है कि जब इसमें जब डीएनए आपस में अटैच हो जाता है तो इसकी जो प्रोटीन्स होती है वो फंक्शनल नहीं होती है, जिसके कारण ये आपस में अटैच्ड हुए रहता है। फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जिससे इसमें जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो फंक्शनल हो जाती है। जब ये प्रोटीन्स फंक्शनल होती हैं, फंक्शनल होने के बाद ये जो वायरल डीएनए होता है वो फिर से टूट जाता है। टूटने के बाद न्यू वायरल आरएनए का निर्माण कर लेता है, यानी कि न्यू वायरल आरएनए का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें बहुत से प्रकार के आरएनए बनेंगे, कुछ जो होंगे वो होंगे जीनोमिक आरएनए और कुछ जो होगा वो होगा मैसेंजर आरएनए। कुछ जो होगा वो होगा जीनोमिक आरएनए। अब देखिए ये जो मैसेंजर आरएनए होता है वो पांचवें स्टेप की, देखिए ये पांचवा स्टेप है, यूज टू मेक प्रोटीन ऑफ न्यू वायरल आरएनए। तो जो नए वायरल आरएनए होते हैं, कौन से आरएनए? मैसेंजर आरएनए। ये जो मैसेंजर आरएनए है ये प्रोटीन्स का बनाने का काम करता है, प्रोटीन्स फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है न्यू वायरल आरएनए। देखिए यहाँ पर ढेर सारे वायरल प्रोटीन्स का निर्माण हो चुका है। इसके बाद छठा स्टेप जो होता है वो होता है न्यू वायरल आरएनए एंड प्रोटीन मूव टू द सेल सरफेस एंड फॉर्म न्यू इमेच्योर वायरल आरएनए। देखिए यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स है और ये जो जीनोमिक आरएनए है ये सभी मूव करेंगे सेल सरफेस की ओर। ठीक है, ये इम्यून सेल है, इसकी सरफेस की ओर ये मूव करेंगे। मूव करने के बाद ये इम्यूच्योर वायरस बनाने का काम करेंगे। ठीक है, इम्यूच्योर वायरस बनाने के लिए काम करने लगेंगे। और सातवें स्टेप में क्या होता है कि जो वायरल आरएनए होती है न्यू और वायरल प्रोटीन जो होती है वो न्यू, वो बाहर निकलती है, सेल से बाहर निकलती है। और ये जब सेल से बाहर निकलती है तो इस इम्यून सिस्टम की जो आउटर सरफेस होती है उसको लेकर के साथ में निकलती है। देखिए यहाँ पर बर्ड के जैसा निकला हुआ है कि नहीं, ये बर्ड के जैसा निकला हुआ है, तो इसको ये साथ में लेकर के निकलेंगी बाहर, तब जाकर के ये मैच्योर न्यू वायरल आरएनए बन जाएगा। तो इसी प्रकार से ढेर सारे वायरल आरएनए का निर्माण होता है। तो ये सातवां स्टेप है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वायरल प्रोटीन क्लीवेज न्यू पॉलीपेप्टाइड एंड क्रिएट न्यू वायरसेस एंड वायरस रिलीज्ड बाय द प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस। तो क्या होता है, मैं यहाँ पर बताया पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो होती है ये पॉलीपेप्टाइड यानी कि एक लंबी पॉलीपेप्टाइड की जैसी होती है, लंबी पॉलीपेप्टाइड की जैसी होती है, जिस
कि वायरल प्रोटीन जो होता है उस पॉलीपेप्टाइड को तोड़ता है, क्लीव करता है, और क्लीव करने के बाद इसको एक शेप देता है, एक आकृति देता है, जिसके बाद ये न्यू वायरल वायरस बन के रिलीज होता है बाहर और इस इम्यून सेल को लेकर के बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेनी वायरसेस रिलीज, कई वायरस यहाँ पर रिलीज होते हैं इसी प्रकार से। और किस प्रोसेस से? वो प्रोसेस कहलाएगा एक्जोसाइटोसिस। एक बार फिर से मैं बता दूं, जब वायरस अंदर प्रवेश करता है, वायरस की जो जेनेटिक मटेरियल्स होती है, प्रोटीन्स होती है, वो जब प्रवेश करती है सेल में, वो कहलाती है एंडोसाइटोसिस। और जब ये बाहर निकलती है वो प्रोसेस कहलाती है एक्सोसाइटोसिस। एंडो एंड एक्सो आप ये ध्यान रखेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। सो दोस्तों, क्लास अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।